gulu gulu. Pimu pimu, tunu kunu, kuichi. Oji babuji, oji buji. मैडम, ये चोर मेरा पर्स चुरा कर भाग रहा था और आप इसे पुचकार रही हैं? तो कन्या, तुम क्या चाह रही हो कि मैं इस पॉकेट मार चोर के फड़फड़ाता दंदनाता सा लपड़ बजा दूं, या तुम यो चाह रही हो कि मैं इस चोर के गाल पे एक तड़ाक देने की लाफा मार दूं? ना कन्या ना, यही तो सोच बदलने की से। भाई, हम क्रिमिनल्स के संग ऐसा व्यवहार कतई ना करेंगे। मारपीट, क्रोध, आक्रोश से कुछ ना होवे, बल्कि प्रेम, स्नेह, दुलार, प्यार से क्रिमिनल को सुधारा जावे है। जैसे कि मैं इसे अभी थोड़ी देर में बढ़िया सुधार दूंगी। हवलदार बिल्लू, हवलदार बिल्लू। हसीना, ये क्या हो रहा है? चीजू, आपको पता है इसमें मेरी नहीं खता है। जब भी मुझे कोई यंग लड़का देता है ऐसे लुक, मेरे दिल की ट्रेन का टिकट हो जाता है बुक। मोहब्बत का रनवे, प्यार का प्लेन, जज्बातों का झरना, लव की रेन, इश्क का एसी चालू है। गल फुल्लो। अरे जरा समझाओ अपनी बहन को, है कहीं भी किसी के भी साथ शुरू हो जाती है। हाँ हाँ, एक मिनट। एरी, मेरी तुझसे कितनी बात कही है? आराम से, प्यार से समझाओ गल फुल्लो। एक मिनट। एरी, मैंने तुझसे कितनी बार कही है ऐसे किसी ऐरे गहरे नथु कहरे के साथ मत बैठा कर, हैं? अब ठीक है? हाँ। हवलदार बिल्लू, प्रेम और आदर स्नेह के संग जरा इस चोर को अंदर वाले लॉकअप में बिठाओ, जहां मैं बाद में घने प्यार से इसे समझाऊंगी और सुधारूंगी, और तुम्हें भी। आई, रावणपुर में आप पहली बार आए? चाय लेंगे कि ठंडा? मिस चौटाला। सर 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 सर, सॉरी सर, पर एक बार जरा मैं इस कन्या से फारी खोलूं, क्योंकि सर देखिए, वी आर पुलिस एंड पुलिस इज पब्लिक सर्वेंट सर। थैंक यू सर। हाँ तो भाई कन्या, तुम जरा भी टेंशन कोई ना लो, यो चोर इब दोबारा कभी चोरी ना कर सकेगा। है? है। थैंक यू। जी सर, प्लीज कंटिन्यू। मिस चौटाला। थैंक्स मी सर। दरअसल बात यह है कि मेरी एक आदत है कि जहां भी मैं, जिस शहर में भी इंस्पेक्शन के लिए जाता हूं, वहां मैं अपनी बीवी और अपनी साली को साथ टांग लेता हूं। इससे क्या है, काम भी हो जाता है और घूमना फिरना भी हो जाता है। यस सर, हम भी काफी मुफ्तखोर हैं सर, और तो मैं बढ़िया घुमाने का इंतजाम कर दूंगी सर। गुड, थैंक यू सर 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 सर। आओ बैठते, चाय कॉफी पीते। मैं कुछ सोच रहा हूँ। मैं ये मान ही नहीं सकता कि आप कुछ सोच सकते हैं।
भाई इज्दा, मैं हर हसीना पे करता हूँ ट्राई इज्दा। क्योंकि भैया सोचने के लिए ना दिमाग चाहिए होता है और वो आपके पास नहीं है। एक्सक्यूज मी, तेरे कहने का मतलब है मेरे पास दिमाग नहीं है? यार मैं तेरे लिए इतना अच्छा सोच रहा हूँ, तुम उड़ा रहे हो मेरा मजाक इज्दा। हसीना है अगर वॉशिंग पाउडर है तो मैं हूँ झाग इज्दा। क्या बात कर रहे हैं भैया, आप मेरे लिए कुछ सोच रहे थे? या ब्रो, मैं तुम्हारी शादी के बारे में सोच रहा हूँ। सॉरी भैया, मुझे माफ कर दीजिए भैया, प्लीज बताइए ना आप क्या सोच रहे थे। देख ध्यान से सुन, जो आईजी साहब है ना, उनकी साली है हसीना, अगर तुम उसको पटा लो तो तुम रातों रात इंस्पेक्टर बन सकते हो। वो कैसे भैया? वो ऐसे ब्रो, देखो ध्यान से सुनो, तुम हवलदार अब तक इसलिए बने हुए हो क्योंकि तुम कमिश्नर साहब के साले हो। अगर तुम आईजी साहब को अपना साडू भाई बना लो फिर तुझे इंस्पेक्टर बनने से कोई नहीं सकता रोक इज्दा। हसीना अगर चाकू है तो मैं हूं चाकू की नोक इज्दा। वाह भैया वाह, क्या दिमाग है भैया, क्या दिमाग है। ये मेरी भूल थी कि मैंने समझा आपके पास दिमाग नहीं है, आपके पास तो बहुत दिमाग है भैया, बहुत। अब देखिए भैया, मैं आईजी साहब की साली हसीना को कैसे पटाता हूँ। वेल ब्रो, जब तुम इंस्पेक्टर बन जाओगे तो मुझे सब इंस्पेक्टर बनवा दोगे ना? भैया बस समझिए कि आप सब इंस्पेक्टर बन गए। कैरी ऑन। अपना पंगा लेने का, पंगा लेने का नहीं, अपने को बस सिंपल सा है पंगा कर। ए, देखो आए, आए। अरे अकेले अकेले कहाँ जा रही हो, हमारे साथ बाइक पे बैठ जाओ, हम छोड़ देंगे। अरे गुस्सा का है कर रही हो जाने मन, अगर इसका पसंद नहीं तो अपुन के साथ चलो, अपुन तो अच्छा लिव देंगे। बदतमीज, तुम्हें शर्म नहीं आती? ए, शर्म की जिसने उसके कर्म फूट गए पता नहीं है? मैं ना तुम दोनों की शिकायत पुलिस में करूंगी, पिछले 6 महीने से तुम लोग मुझे इसी तरह छेड़ रहे हो। अरे तो बात मान जाओ ना, हम नहीं छेड़ेंगे, हम दोनों में से ना किसी एक को चुन लो। अब बस मैं मुझे जाने दो। अबे ये भी ब्यूटीफुल है हसीना। प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया गुरु, ये तुम्हारे लिए और ये अपुन के लिए हाइट के हिसाब से सुपर। आजा आजा बाइक पे आजा जाने मन, आजा आजा। अरे हीरो ना हूं, हीरोइन हूं। ओके जा घर जा, जा बाय। धीरे चलाया करो गाड़ी।
Well, mom, what is the problem? Is the Delhi mein airport problem is the? थारे ना मैं एयरपोर्ट में सील करवा दूंगी, बेचा ना कर अपने यहाँ बस स्टैंड और डिपो और ऑटो। ये दिमाग एकदम गर्म हो रहा है, ऊपर से यहाँ लसन छील रहे। मैडम फिर भी क्या हुआ, आप इतनी परेशान क्यों है? अरे आईजी ने देख लिया मन्ने वहाँ गुंडों को पीटते हुए बाहर। ओ माय गॉड, अब क्या होगा? अब क्या हो, ये मैं सस्पेंड होंगी, पल जाना अपने आप दोनों चौकी में। क्या यार, आज मैं बहुत खुश हूं। जय हिंद सर, आए नमस्कार सर, जय हिंद सर। सर घनी खुशी हुई सर आपको देख के सर, आपके लिए कुछ शीतल जल, ठंडी पेय, लस्सी, शरबत इत्यादि का प्रबंध कुछ कराया जाए सर। मिस चंद्रमुखी चौटाला, दैट्स मी सर। आप लोगों को शायद ये तो पता है कि मुझे अहिंसा पसंद है, लेकिन शायद ये नहीं पता कि मुझे झूठे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं झूठों से नफरत करता हूँ। मैं अपनी पुलिस फोर्स में एक एक झूठे को ढूंढ के निकाल दूंगा, क्योंकि मुझे शांति पसंद है। बिल्कुल आपके सर मारे ही तरह उच्च विचार है सर, झूठों के संग ऐसा ही करना चाहिए। क्या? एक बार सर बचपने में मैंने अपनी माताजी से भी झूठ बोल दिया था, तो खींच के उन्होंने जो है चप्पल मारे सर पे मार दी थी, देखिए उसका अभी तक निशान है सर। सर झूठे लोगों के साथ तो ऐसा ही करना चाहिए सर। बिल्कुल, ये आप बोल रही हैं, आप जो खुद झूठी है। कौन मैं सर? कभी नहीं सर, मैंने तो जीवन में कभी झूठ बोला ही नहीं है सर, और आपसे कौन सा झूठ मैंने बोल दिया सर? क्या कहा था आपने कि आप शांति पसंद, अहिंसा में विश्वास रखने वाली, मुजरिमों के साथ प्यार से व्यवहार करने वाली अफसर हैं, हूँ? जी सर, मैं तो अभी यो ही कह रही हूँ सर, इनफैक्ट यो सब मारी विशेष क्वालिटीज है सर। अच्छा, ये जानने के बाद भी कि मैंने आपको और आपने मुझे देख लिया था, आप ये कह रही हैं? देख लिया सर, कहाँ देख लिया सर, कैसे देख लिया सर, किसको देख लिया सर? आपको कल दो गुंडों को बेरहमी से पीटते हुए देखा। किसे? मन्ने सर, मन्ने? मैं गुंड? एक्सक्यूज मी चंद्रमुखी जी, आप रो क्यों रही हैं? रोइए मत लोग। एक मिनट, क्लियरली बोलिए, गालियां सी लग रही है। ना ना सर, ना ना, जीवन में सर मैंने तो कभी किसी को भी गाली नहीं दी, तो सर आप तो
तुम्हारे पिता समान है सर, आपको कैसे सर। देखिए सर, आपने जिसे देखा वो मैं नहीं थी सर। सब लोगों को यही धोखा होता है सर, आपने जिसे देखा दरअसल वो हमारी जुड़वा बहन है सर, सूरजमुखी सर। क्या? नहीं, लेकिन ऐसा तो सिर्फ फिल्मों में होता है ना, तो यहाँ कैसे? सर जो हकीकत में हो गए है वही फिल्मों में दिखाते हैं सर। सर हमारे जीवन का सच तो यो है कि हमारी एक जुड़वा बहन है सर, हमारे से 30 सेकंड बाद पैदा हुई सर, इसलिए छोटी है ना तो सबकी लाडली रही सर। अब उसी लाड़ प्यार ने इतना बिगाड़ दिया है कि घनी शरारती हो गई, लड़कों के संग खेलती है, बाइक वगैरह चलाती है, ओहो उधम मचाती है सर, अतरंगे कपड़े पहनती है, बंजी जंपिंग, स्काई डाइविंग, रिवर राफ्टिंग और न जाने कैसे कैसे अत्याचारी शौक है उसके सर। मैंने तो समझाने की काफ़ी कोशिश करी लेकिन मारपीट, लोगों से झगड़ा करना, इन सब चीज़ों से बाज ही ना आती। अब मैं के करूँ सर, बड़ी बहन हूँ लेकिन घनी परेशान हूँ सर, कुछ समझ नहीं पा रही हूँ उसे सही राह पर कैसे लाऊं सर। और देखिए उस पर आप हैं, आप भी मन नहीं डांट रहे हैं। चिंता मत करो चंद्रमुखी, चिंता मत करो, मैं हूं ना। देखो तुम्हें शायद पता नहीं कि मैं समझाता बहुत अच्छा हूँ। मैं ऐसा समझाता हूँ कि बड़े बड़े अड़ियल से अड़ियल, जड़ियल से जड़ियल जो है वो समझ जाते हैं, हाँ, और एकदम ठीक रास्ते पे चल पड़ते हैं। मैं तुम्हारी बहन से मिलना चाहूँगा, उसे खुद समझाऊँगा, देखना मेरे समझाने का असर क्या होगा, वो समझ जाएगी और ये मारपीट उछल कूद सब छोड़ देगी और एक अच्छी लड़की बन जाएगी। मुझे शांति पसंद है। अरे नहीं नहीं सर, सो नाइस फॉर योर ऑफर सर, लेकिन क्या है कि सर वो तो घनी बदतमीज छोरी से और आप इतने महापुरुष, तो सर आपका मिलन ना ही हो तो ही अच्छा है, क्योंकि आपको जो लग रही थी वो असल में कहीं सुनने में ना आ जाए सर गालियाँ, क्योंकि वो बिल्कुल उसका व्यवहार अच्छा नहीं है सर। आप रहने दें, अब मैं ही उसे समझाने की कोशिश करती हूँ सर। नहीं नहीं, मैं देखो इसमें कुछ नहीं है, कोई क्या गालियाँ नहीं, परेशानी भी कुछ नहीं है। नहीं देखो अब तो मैं तुम्हारी बहन से मिल के ही रहूँ, तुम एक काम करो, तुम कल उसे यहाँ चौकी में बुला लो, मैं उसे यहीं समझाऊँगा। हैं, आप बुला लो और मैं कल मुलाकात करता हूँ, मुझे शांति पसंद है। अब मैं चलता हूँ, बाय बाय। अरे यार सही कहते हैं, एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। इब तो लगता है सूरजमुखी को चौकी में आना ही होगा सर।